YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? और दोपहर के बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, और मैं अभी अपने हॉल में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर हम साग छाट रहे हैं। और पहले तो मम्मी भी छटवा रही थी मेरे साथ, अब मम्मी अंदर चली गई है, मम्मी जाके लेट गई है और बथुआ मम्मी ने छाट दिया है। लेकिन मम्मी कह रही है जो बथुआ है वो बहुत ज़्यादा किरकिरा है, इसे अलग से ही धोइयो। तो इसे मैं अलग से धोऊंगी पहले। और ये मैं पालक छाट रही हूँ। और देखिए दोस्तों, ये सब्ज़ी जितनी मेहनत वाली होती है खाने में उतनी ज़्यादा ही स्वाद होती है। और सर्दी का ये वो होता है, मम्मी क्या होता है ये सर्दी का मेवा? सर्दी का मेवा होता है साग, मक्के की रोटी। सर्दी की गर्माश है ये, सर्दी की गर्माश है ये। और चलिए दोस्तों, मम्मी से भी मिलवाती हूँ। मम्मी ये लेटी आराम फरमा रही है अपना स्वेटर बना के, तो कर दो सबको हेलो। हेलो, राम राम जी। और जब तक ज़्यादा पाला नहीं पड़ेगा, जब तक मम्मी अपनी रजाई नहीं निकालेगी है। तो आज हम बनाएंगे साग और आपको भी दिखाएंगे कि हम साग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले, बनाने से पहले हमको छाटना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले साग में मेहनत करते, पहले साग छाटते, फिर जब बनाएंगे जब आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों, यहाँ पर मैं साग छाट रही हूँ और देखिए कितना तो इसमें से कूड़ा निकल गया है साग में से छाटते वक्त। और इतना ही अभी मैं छाट पाई हूँ इसमें से, और ये मैंने काट लिया है। और बाकी पालक मेरी ये इसको भी छाटूंगी मैं। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे फुटबॉल, और कितनी बार फेस पे लगते लगते बच गई है, और ऐसे शॉट मारते कि सीधा आके मुंह पे लगता है। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखना। और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, और गुड्डू के तो आपने ये कपड़े देख ही रखे हैं, नीचे निकर पहनता है, ऊपर पूरे फुल कपड़े पहनता है। अरे ये पालक खा ले जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, छाट लेते हैं पालक और फिर खाना भी खाएंगे। और अभी दोपहर का खाना नहीं खाया है, 2:30 बज गया है, और फिर खाना खाती हूँ, पहले इसको छाट लेती हूँ। चलिए आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। और साग छाटने में इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत टाइम लग जाता है। और इतना तो साग नहीं निकला जितना उसके अंदर से कूड़ा निकला है, तो यही निकल पाया है जो साग निकला है। तो ये पालक और सरसों है, और ये बथुआ है, ये मैंने अलग धोया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी तो ये ज़्यादा किरकिराता, तो ये मैंने अलग धो दिया है। और देखिए ये हरी मिर्ची हैं, और ये 3 टमाटर हैं, और ये हरी मिर्च अभी कम है और इसमें मैं अभी और डालूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। और दोस्तों, ये जो साग बनाने सीखा है मैंने, ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है, क्योंकि मैंने अपने घर पे कभी साग नहीं खाया। मैंने शादी के बाद यहीं पर आकर साग खाया, तो मम्मी ने ही सिखाया मुझे यहाँ पर साग। तो चलिए दोस्तों, जैसा जैसा मम्मी ने मुझे सिखाया मैं वैसा वैसा बनाती हूँ। चलिए दोस्तों, सारी तैयारी हो चुकी है और अब साग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे बथुआ, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पालक और सरसों। और साग मैंने इसमें डाल दिया है कुकर में, और अब मैं इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दूंगी और 1/2 गिलास और डालूंगी, क्योंकि मुझे जैसे जैसे मम्मी ने सिखाया है मैं उतना उतना सामान उतना उतना ही डालूंगी कि जितना जितना मेरे को बताया है। तो देखिए ये डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जितनी भी हरी मिर्चें हैं, ये सारी हरी मिर्चें इसमें ऐसे ही डाल दूंगी मैं। और इतने में इन टमाटर को काट लेती हूँ, तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर टमाटर। और बस अब इसमें एक चीज़ डलेगी, वो डलेगा नमक। और जो जो चीज़ डलेंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और बस अब मैं इसको रख देती हूँ उबालने के लिए गैस पे। लेकिन पहले ये जो है, पहले मैं इसको गैस जला के थोड़ा पकने दूंगी, क्योंकि जो ये साग पानी छोड़ेगा तो फिर ये नीचे दब जाएगा जो साग है। अभी पूरा ऊपर तक आ चुका है, और अब मैं इसको गैस जला के पकने को छोड़ देती हूँ। ये दोस्तों, गैस मैंने जला दिया है, और अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा पकने दूंगी। जो ये साग पानी छोड़ेगा तो ये फिर नीचे बैठ जाएगा जो साग है। तो चलिए इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ, और जब ये साग नीचे को बैठ जाएगा तब मैं इसमें सीटियाँ लगाऊंगी। तो देखिए ये जो हमारा साग है, इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है, और मैंने इसमें 6-7 सीटी लगा ली हैं, और अब इसके अंदर पानी है क्योंकि ये अच्छे से पकेगा अभी। तो देखिए, मैंने लहसुन की 2 पोती ले ली है, और इसमें मैंने छील लिया है, और 2 अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, और 4 मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है, और इसको मैं चॉपर में डाल लूँगी
और इसको जो है हम दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा इसको वैसा नहीं पीसेंगे जैसे मिक्सी में पीसते हैं, क्योंकि इसका स्वाद तभी आएगा जब ये मुँह में आता है ना, तो लहसुन वगैरह का जो स्वाद आता है वो ज़्यादा टेस्टी आता है ऐसे। तो मम्मी ऐसे ही बनाती है, तो मैं वही सारा सब कुछ वैसे ही करके बना रही हूँ जैसे करे मम्मी बनाती है। तो चलिए इसको मैं पहले अच्छा सा दरदरा पीस लेती हूँ। देखिए ये जो है ये मैंने दरदरा पीस लिया है, और ये जैसे ऐसा पीसा है ये मैंने दरदरा दरदरा, तो ये चॉप ही हो गया है। तो अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मक्के के आटे का आलन बना के। ठीक है दोस्तों, अब बना लेते हैं साग में डालने के लिए आलन। तो कितना लेना है मम्मी? और मम्मी भी किचन में ही आ गई है। ले। एक मुट्ठी लेना है? हाँ ले, थोड़ा सा और ले, थोड़ा सा और ले। हाँ बस छान ले सर, पतला सा घोल करके हाँ डाल दे, मन्ने मको मक दे दिए। अच्छा ज़्यादा गाढ़ा मत करियो। अच्छा एकदम पतला घोल बनाना है ना? हाँ हाँ ठीक है। पानी नीचे में डाल दियो। हाँ और ये वाला भी ठीक है। तो मम्मी मेरे को बताने आई थी कि आलन कैसे डालते हैं इसमें, और अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। नमक मिर्च देख ले। हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये मैं इसका आलन बना रही हूँ, और मम्मी ने बताया कि किस हिसाब से बनाना है ये। तो मम्मी अभी किचन में आई थी, मेरे को बता के चली गई है। और ये एकदम पतला पतला बनाते हैं, गाढ़ा करके नहीं डालते। तो देखिए इसको मैं एकदम पतला पतला कर लूँगी, और एकदम पतला पतला करके फिर मैं इसको साग में डालूँगी। और इसमें एक भी वो नहीं होनी चाहिए जैसे गांठ वगैरह होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और इसको एकदम पतला पतला कर लेना है। तो देखिए ऐसा ये एकदम पतला हो गया है। और अब मैं इसको डाल देती हूँ साग में, और फिर साग को मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको डाल देती हूँ साग में। और यहाँ पर मम्मी बार बार आ रही है चेक करने के लिए कि बहू कैसा बना रही है साग, तो इसलिए मम्मी देख रही है। तो मैं मम्मी से कह रही हूँ एक बार चेक कर लो कि सब चीज़ सही डाली है नहीं डाली है, तो मम्मी वही चेक कर रही है। देखिए दोस्तों साग में सबसे खतरनाक सीन वो वाला होता है जब ये साग खदकता है और इसकी मोटी मोटी एकदम छींटे पड़ती हैं, तो ये कई बार हाथ में फफोले भी पड़ जाते हैं। तो बड़ा ध्यान से पकाना पड़ता है। और देखिए ये साग खदक रहा है, तो कितनी तेज़ उसकी ऊपर छींटे सी उठ रही हैं। तो ये इतनी दूर दूर तक भी उठती हैं कि देखिए मेरी टाइल्स पे भी पड़ रही हैं ये। गुड्डू पीछे हो जा, और गुड्डू भी आ गया है देखने के लिए। और बड़ा डर लगता है जब मैं साग बनाती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि कई बार हाथों वगैरह पे छींटे आ जाती हैं, तो हाथ जल सा जाता है। और इधर हमारी शाम की चाय बन रही है, और आ जाइए दोस्तों आप भी शाम की चाय पी लीजिए। और गुड्डू दूध डाल रहा है चाय में, और क्योंकि मैं साग बना रही हूँ यहाँ पे, तो गुड्डू चाय बनाने में मेरी मदद कर रहा है। और आइए आप भी, हम भी चाय पीते हैं और आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे जब हमारा पूरा साग बन जाएगा और मक्के की रोटी बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों खाना हमारा बन चुका है, और ये हमारा बन गया है साग बन गया है, और ये रही मक्का की रोटी, और ये है बाजरे की रोटी, और एक कमी और है साग में। तो चलिए ढेर सारा डाल देते हैं इसके अंदर घी, और अब दे देते हैं सबको खाना। और आ जाइए दोस्तों आप भी रात का डिनर कर लीजिए हमारे साथ। और आज हमने बनाया है टेस्टी टेस्टी खाना, सरसों का साग, मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी। तो चलिए दोस्तों सबको दे देते हैं खाना, और इसी के साथ अपनी वीडियो कर देते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। झूठी तारीफ करो, चलो चाहे तारीफ करो चाहे झूठी करो। तो बताओ कैसा बना था साग, कैसा बना? अच्छा बना था। अच्छा बना? और मक्के की रोटी भी सही बनी? सही बनी, टेस्टी लग रही थी। अच्छा तो देखिए दोस्तों मम्मी ने मक्के की रोटी और साग पास कर दिया, और कह रही है अच्छा बना है। तो चलिए सब दोस्तों को बाय बाय कर दो। बाय बाय जी सबको।